कहने लगा चाकू दिखाकर महिले में दिखाए थे मार दे हमने तो उधर मार देना जो होगा देखा जाएगा। वसीम रिजवी के खिलाफ आज आई है, हमको मारा आज हमारी सूझ गई थी पैर कुचल दिया हमने, बदतमीज आदमी एक नंबर का वो इसको गोली खाता है नशे की इनको मारा उनकी महिला का हमारा घर खाली करा दिया घर शिया कर का है वो ऑलिंग एशिया ये खाली की जगह पर बोर्ड का चेयरमैन ये उनकी बाप के पॉवर्टी ने जो इन्हें खाली करा ली हम ऑलिंग एशिया ये खाली की जगह पे रहते हैं। हां उनके वसीम रिजवी ने हमारे साथ घर पे आके बदतमीजी की, मेरे आदमी को नंगा करके बहुत ज़्यादा मारा, मेरे बच्चे छोटे छोटे थे और बहुत ज़्यादा मारा, उनके आगे हाथ पैर जोड़ रहे थे लेकिन वो नहीं माने, बहुत ज़्यादा बदतमीजी की उन्होंने। कहाँ की रहने वाली हैं आप और कब से ये मामला चल रहा था? ये 5 महीने पहले से। क्या किया आपके साथ? बदतमीजी की बहुत ज़्यादा उन्होंने हमारे साथ। तो 5 महीने हो गए और आज 5 महीने बाद आप आई हैं, कैसे क्यों 5 महीने तक क्यों नहीं किया? अरे वो धीरे 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 हो रहा था, जब मुझसे बर्दाश्त से बाहर हुआ तो मैंने अपने पति को बताया, इन्हें हमको बताया जब मैंने पूछा जाके तो इनको बहुत ज़्यादा मारा उन्होंने, बहुत ज़्यादा मारा। वसीम रिजवी ने क्या किया आपके साथ, ऐसी क्या बात कर दी है जिससे आप यहाँ आए? बताओ खुल के। उन्हीं ने मेरे साथ रेप किया। किस तरीके का दबाव बनाते थे आपके ऊपर? आप लोग रोइए ना, अपनी बात बताइए, मीडिया से अपनी बात बताइए, अपनी बात कहिए, रोइए नहीं। मारने की हमें धमकी दिए, कहे महल्ले में दिखाई ना देना, आप लोग आज हैं कल नहीं होंगे देख लीजिएगा। लोग आज एक पीड़िता को के साथ आए हैं और इस आशा के साथ कि उसको न्याय मिलेगा। जो वसीम रिजवी पूर्व उपाध्यक्ष हैं सिया सेंट्रल बोर्ड के, उनके साथ ही ये रहती थी, उनका ड्राइवर है, उसकी पत्नी है ये। उन्हीं ने बहाने से ड्राइवर को मुख्तलिफ शहरों में लखनऊ से बाहर भेज देते थे आए दिन, और पिछले 6 महीने से लगातार इस पीड़िता के साथ वो बलात्कार जैसा जघन्य अपराध कर रहे हैं। आज उसने हिम्मत करके अपने परिवार वालों से जब ये बात बताई, गुमसुम रहती थी, परेशान रहती थी, जब परिवार वालों ने पूछा तो उसने हिम्मत से काम लिया और अपने परिवार वालों को बताया। वो हिम्मत करके आज यहाँ पर आए हैं सादतगंज कोतवाली में और अपनी शिकायत लिखित रूप से और मौखिक रूप से श्रीमान प्रभारी निरीक्षक महोदय जी को दी है। हम लोग पिछले 2 घंटे से अनुनय विनय कर रहे हैं, हम लोग उनसे गुजारिश कर रहे हैं कि प्रथम सूचना रिपोर्ट जो कि उसका अधिकार है, कानूनी अधिकार है, उसको दर्ज कर लिया जाए और उसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाए। जो भी प्रभावी कार्रवाई होती है वो उसके वसीम रिजवी बलात्कारी के खिलाफ, और पता नहीं क्यों उसकी मांग कर रहे हैं और इसको पीड़िता मौजूद है तो किसी तरह की सुरक्षा नहीं उपलब्ध कराई जा रही है, ना ही कोई विश्वास दिलाया जा रहा है। बार बार वो बेहोश हो रही है डर के कारण।